आवाज आ रही है आपको भाई? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है नीरू? हाँ जी, हाँ जी सर, अब भी आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, उधर उधर उसकी आवाज नहीं आ रही। कुशल की आवाज आ रही है? कुशल की नहीं। मेरे ख्याल के पहाड़ों में घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? पीछे कोई स्नो चल रही है, कोई बर्फ? और हाय कल्ले घूमना है, दूसरों को भेज के अभी क्या करें। हाय, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। कुशल, अब आपकी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हेलो, कुशल आपकी आवाज आ रही है? आप चल रहे हैं कहीं पर? कोई वॉकिंग कर रहे हैं लंबी? कहां से जाएं? कुशल, कानों में कोई ब्लूटूथ लगाया है क्या? आवाज आ रही है आपको भाई साहब? बैठ जाके बैठ। आवाज बोले जब पूछे, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो कुशल, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। या मेरे को सुनाई, अभी आवाज आ रही है आपको? आई जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग भाई, आप कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? इधर लंबे लंबे चल रहे हैं चाल, कहाँ से? घर में हैं आप? कहाँ पर हैं? हाँ जी, हाँ जी सर, अभी निकल रहा था मैं थोड़ी देर में ना। अच्छा, निकल रहे थे। हाँ, जो मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, दौरे पे चल रहे हैं आप वहाँ? आज धर्मशाला में है ना मीटिंग वाटिंग? जी हाँ जी, हाँ जी सर, पीएम साहब जी मिल जी रहे हैं। जी 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 ठीक है ठीक है ठीक है। वो आपका चक्कर हो गया था ना, उसका उसका जो बच्चे का जो पासपोर्ट का? जी सर, जी, एक सेकंड होल्ड करो, मैं आपको बच्चे का चक्कर हो गया। ये अध्ययन है ना नाम, राइट? प्रोनाउंस करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी अध्ययन का उन्होंने पासपोर्ट मांग लिया है कि भाई साहब पासपोर्ट दे दो आप और हम आपको ओ वीजा दे देंगे। ओके सर। और जब अध्ययन का मांग लिया तो अपने फादर का भी मांग लिया होगा, फिर वो फादर का भी देख लो। नीरू नीरू की आंखों में आंसू आ गए भाई। डराया हुआ था आपने इनको। सर, मेरा बीपी डाउन हो गया था कंप्लीटली। बीपी डाउन? अब थोड़ा अप आ जाएगा, कोई बात नहीं, नॉर्मल आ जाएगा। आप रिलैक्स हो जाओ नीरू, आप कोई चक्कर नहीं। ओहो, देखो थैंक यू क्या हो गया सर। ये लाओ। इसका भी आपके आपके पति देखो, ही बता देते हैं। ये देखें खुशहाल, सॉरी, मे बी आई कैन शो यू जस्ट अ मिनट, एक दोबारा से दिखाता हूँ मैं आपको। ये है कुशल का, राइट कुशल का भी पासपोर्ट चाहिए और उसका ध्यान का भी पासपोर्ट चाहिए। और ये दोनों के पासपोर्ट अभी दोनों दोनों के पासपोर्ट जून 15 को, 15 आज आज 15 ही है, 16 है आज। अरे कहाँ चली गई नीरू? ये कौन है, क्या हुआ? ओहो, सर, वो रूममेट, वो मेरी फ्रेंड है। ओहो, फ्रेंड को भी आप उनको मिठाई विठाई खिलाओ आज, और उनको भी खुशखबरी दो, आपके वो दुख के दिन खत्म हो गए। मेरे को याद है कि आप मेरे पास 2020 में आए थे ना, कब आए थे आप? सर 19 नवंबर 2019। हाँ, नाइनटीन आपका आपका मेरे ख्याल उससे, मेरे आने से पहले कितने, 3 बार रिफ्यूज हो चुका था कि 2 बार? सर, फोर चार टाइम बार सर। ओ माय गॉड, मैंने लिख रखा था, मेरे को भूल गया था। एक बार मार्च में आपका रिफ्यूज सर, हुआ, एक बार फेब में हुआ था, फिर उसके बाद मार्च में, उसके बाद 2 बार नवंबर में, 2 बार नवंबर सेम में, मंथ। मार्च, आई've गॉट मार्च मार्च में, मई में, सितंबर में, नवंबर में, 4 बार आपका जो वर्क परमिट है कुशल का रिफ्यूज हो चुका है। और बड़े बेहुदा उन्होंने एक रीजन दिया कि आपके पास पैसे नहीं है, एसेट्स नहीं है, ये कई बार उन्होंने लिखा। तो जब मैंने भी एक बार अप्लाई किया आपके लिए, तो मेरा भी वीजा जी, उन्होंने, मार्च मेरा में। मतलब मेरे थ्रू भी रिफ्यूज कर दिया। और हाँ मैंने जी कई बार इसके बारे में कुछ जिक्र किया था आपके बारे में, मतलब आपके केस के बारे में, कि ये परफेक्ट केस है स्पाउस वीजा का,
और या तो वीजा ऑफिसर को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो बार बार पैसे को इनकम को लेकर वो रिफ्यूज कर रहे हैं। तो मैंने इतना तक कहा था आपसे कि ये परफेक्ट केस है, अगर आपके पति को बच्चे को अगर स्पाउस वीजा नहीं मिल सकता तो स्पाउस वीजा इनको बंद ही कर देना चाहिए जी। तो ये फिर दोबारा मतलब मेरे को भी जब उन्होंने रिफ्यूज किया तो उन्होंने मेरे को ऐसा लिखा था कि वो आदमी सरकारी जॉब में है, वो जॉब छोड़ के जाएगा जाएगा क्यों, मतलब कि आपने वो एग्जांपल भी दी थी एक, आपने वीजा लगवाया था बीएसएफ ऑफिसर का। हाँ 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 करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बीएसएफ नहीं सॉरी नॉट बीएसएफ, वो था आईटीपीपी का। जो चाइना का एरिया अरुणाचल प्रदेश उस तरफ एरिया, तो उसका उसका लगा था, उसका इंटरव्यू आ गया था, फिर लगा था इंटरव्यू आया था उसका। पर मतलब मैंने आपके केस के बारे में इतना वो पर्सनल इंटरेस्ट मैंने लिया था, इसको ऐसा लगा था, मेरे को खुद धक्का लग गया था कि ये कई बार जो स्पाउस वीजा हमारा रोज का काम है, स्पाउस वीजा में मतलब वो कई बार ये कहते हैं लोगों से, पंजाब के लोगों से इधर, के आपके पास जी पैसा नहीं है, आपके पास जी आपके पास इनकम नहीं है, आपके पास इतनी वो टाइज नहीं है, टाइज टू होम कंट्री नहीं है, तो आप कैसे जाओगे, क्यों जाओगे, कैसे अपनी वाइफ को सपोर्ट करोगे। लेकिन आपके केस में तो बिल्कुल ही ऑपोजिट था भाई, आपके पास तो आपके पास एक अच्छी जॉब भी है और अच्छी सैलरी भी है और फंड भी अच्छे हैं, और अब उसके आपकी वाइफ भी काम कर रही है कनाडा में, और तब भी अगर आप वीजा नहीं दोगे तो फिर ये सब मैंने लिखा उसको चिट्ठी में। तो अब ये पहले फिर कोविड आ गया, कोविड चक्कर चल गया, लेकिन ये दूसरी एप्लीकेशन हमारी करी थी शायद पिछले साल अगस्त में करी थी ना नीरू जी, 16, हाँ जी 16 अगस्त का। मेरे ख्याल है कि हमसे आपके आपसे एक बार डिस्कशन भी हो गया था कि हमने सोचा था कि आपको करें या ना करें, छोड़ दें, आपने कहा कर लो एक बार, कर लो एक बार ही करेंगे। हाँ जी हाँ, पीआर के बाद छोड़ो छोड़ो जी, करें या ना करें कि क्या करें इसको, मतलब जाने दो, और जब पीआर होगा तब देखी जाएगी। तो बहरहाल चलो एक चांस ले लिया था उस वक्त, पता नहीं शायद आप थे या कौन था या कोई मेरे से कहता था कि फलाने दिन को करो, इस दिन शुभ दिन होता है इस दिन। हाँ जी, हाँ जी। आप ही थे क्या? कुशल अच्छा, जी। अच्छा आप थे क्या, आप थे कि भाई एक फलाने दिन करा जाए, उस दिन शुभ होता है, इस दिन इस तारीख को। मेरे पास ऐसे वो दिमाग हमारा भी खराब हुआ था, हम दोनों का, आपका मेरा, मतलब ये टाइम चल रहा है। जी 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 जी, चलो सारी आपकी जो 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 मेहनत है वो रंग लाई है, और आप काफी दिन से वहां पर लगे हो, कनाडा में 3 साल हो गए काम कर रहे हो, काम कैसे चल रहा है ओटावा में? सर अच्छा है, चल रहा है हमारा तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने कोई फाइल करी है कुछ, पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री वाला कुछ? नहीं नहीं, अभी पीएनपी नहीं, एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ ही निकालेंगे मैं भी जुलाई में, तो उसके लिए है। प्रोफाइल बनाई हुई है? नहीं बनाई नहीं, अभी बनानी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो चलो अच्छी बात है। अब तो आपकी शिकायत वगैरह के लिए शिकवे दूर हो गए, अब तो आपके पति देव आ रहे हैं, ओटावा आ रहे हैं, विदिन ए महीने पहुंच जाएंगे, और हो सकता है कि नहीं, इट मैट बी टू अर्ली, जुलाई 1st को कनाडा डे है, क्या पता कनाडा डे साथ ही मिलाओगे आपको अध्ययन के साथ। हाँ जी, ये तो आपके वजह से हुआ है कि कब से हम आपके पीछे ही हैं बस। नहीं देखे देखे ऐसा है, ये तो हमारा एक बिजनेस है, जैसे आप नौकरी करते हो, आप सैलरी लेते हो और सारी दुनिया कुछ ना कुछ करती थी, तो हमारा हमारा वो प्रोफेशन है, बाकी हमारा इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट के बगैर तो प्रोफेशन कामयाब हो नहीं सकता। ऑफ कोर्स मेरा इंटरेस्ट है, और कई जो पंजाब के एजेंट वाला, जो आपने भी पहले जो फाइल लगाई होगी आपने देखा होगा, वही बात करने लगी थी मैं भी कि मिस गाइड ही करेंगे, ऐसा मत करो वैसा मत करो, बाद में हमें क्लाइंट को ही ब्लेम करेंगे। तो कई लोग लैक ऑफ नॉलेज है उनका ना, जो एक्चुअल में वो ना ही गाइड करते हैं प्रॉपर बंदे को, थोड़ा सा उनको ही नहीं नॉलेज उस चीज का कि करना क्या है। जी जी जी, सो दुनिया आ रही है कि जी कर दो, वो कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सीक्रेट बता दूं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा सीक्रेट, कि स्पाउस वीजा अप्लाई करना तो एक बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी जिसको एक आध एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस है तो अपनी दुकान खोल के अप्लाई कर सकता है, लेकिन अप्लाई करने के बाद जो फिर उसको फॉलो अप और उसका बार बार वीजा ऑफिसर को कुछ लिखना, अपडेट करना, उनको क्लैरिफाई करना, वो ज्यादा वो एक मतलब उसमें मेहनत चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए, और बहुत सारे लॉयर्स भी कनाडा के लॉयर्स, आप इनको पता होगा ओटावा में और हर जगह जो लॉयर्स हैं, लॉयर्स भी
पैसे ले लेते हैं पहले, उसके बाद कहते हैं अरे देखी जाएगी छोड़ो यार, उसको नया केस पकड़ो, बेकार पुराने केस में क्या मेहनत करनी, कुछ नहीं, वो तो बात ही नहीं करते। जितना हम लोग बात करते हैं जैसे केस के बारे में, उनके पास ना टाइम है ना उनके पास कोई फोकस है, तो वो नहीं करते। तो हमारा ऐसा नहीं है, हम तो उसको अगर कोई केस, पहली बात तो सारे केस लेते नहीं है, अगर कोई केस लेते हैं तो उसको फिर पर्सनल इंटरेस्ट तक मतलब उसको फॉलो करते हैं डे टू डे, मतलब उसमें अगर कोई अपडेट चाहिए, बात करनी है, कुछ लेटर लिखना है, कुछ करना है तो उसको करते हैं, थोड़ा सा ये फर्क है। इसलिए बाकी वो है क्लाइंट का जो दाना पानी है, जो आपकी किस्मत है, आपकी किस्मत से हमारा काम हो जाता है तो हमें भी दो पैसे मिल जाते हैं, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं सर, बाकी मतलब सारा दिमाग तो खुद का ही लगाना होता है आपने, हमने तो बस बैठ के रेस्ट ही करनी होती है पीछे। जी जी, वो चक्कर क्या है कि हम तो बहुत साल से कर रहे हैं इसको, करते हुए हमें, मेरे को याद है मैंने पहला स्पाउस केस किया था आज से 4 साल पहले, और उससे पहले तो हम दूसरे एप्लीकेशन करते थे एक्सप्रेस एंट्री वाला सारे। तो जब से स्पाउस वीजा मतलब करना शुरू किया है, इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारे पास कम से कम 500 से ज्यादा क्लाइंट है। जैसे आप जाओगे, जैसे आपके हस्बैंड अब बच्चे जाएंगे, तो ऐसे मेरे पास कम से कम 500 से ज्यादा क्लाइंट हैं जो इस वक्त स्पाउस वीजा लेकर अभी कनाडा में बैठे हैं, कहीं कहीं जगह मतलब लोग कोई काम कर रहे हैं। अब देखो मजे की बात यह है कि मैं इंडिया में बैठा हूँ, मेरा काम है लोगों को बाहर भेजना, लेकिन मैं इंडिया में मजे कर रहा हूँ। मेरे को कनाडा जाने का, मेरे को कनाडा जाने का कोई शौक नहीं है, जाऊँगा मैं आराम से जाऊँगा, लेकिन मेरे को कनाडा में रहने का और वहाँ जाने का भी कोई ऐसे अंदर कोई तलब नहीं है, कोई शौक नहीं है मेरे को। तो सुबह सुबह मेरा रूटीन यहाँ पर इंडिया में आया, सुबह सुबह रूटीन मेरा इंडिया में है, मैंने सुबह सुबह उठ के मेरा नाश्ता है दशहरी आम, मैं खाता हूँ 1 किलो, और ये वो यहाँ पे नहीं मिलता टेस्टी बिल्कुल भी, ज्यादा है सर, ज्यादा है 1 किलो, ज्यादा है 1 किलो, ज्यादा है कुछ भी ज्यादा नहीं है मेरा वजन मेरा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नीरू सही कह रही है। देखिए आपको बताया कुछ, आपको भी मैं आपको आप ज्यादा मतलब दो मिनटों में आपको दे दूं कि आप जो यहाँ पर देवभूमि में जो मजे कर रहे हो ना, आपकी आजादी खत्म होने वाली है। आप कनाडा जाओगे, आपको वहां पर नौकरी पे लगा देंगे, मतलब कोई भी जो नौकरी मिलेगी आपको, और आपको 10-10, 12-12 घंटे आपको मतलब ये ऐसे चक्री की तरह घूमना पड़ेगा। और जहां तक ये जो फल फ्रूट की बात है ना, आपको जो इंडिया के, मैंने तो कनाडा अमेरिका सारा देखा, वो मेरे को पता है कनाडा में क्या मिलता है, यहाँ क्या मिलता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो इंडिया का, अभी तो गर्मी चल रही है, इंडिया का जो दशहरी आम है, चौसा आम है, केसर आम है, अल्फंसो आम है, ये अगर कनाडा में आपके पास मिलियन $1 की बात नहीं कर रहे, वैसे तो डॉलर होते ही नहीं किसी के पास, नीरू को पता है, अगर आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर भी है, फिर भी जो दशहरी आम वाला जो टेस्ट है, ऐसा आम आपको कनाडा में चिराग लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। तो 1 किलो अगर आम मैं खा रहा हूँ तो ये मेरी जिंदगी के, मेरी यही वही एक कमाई है, और कोई कमाई नहीं है। मैं खुद यहाँ पे तरसते, मतलब हमारे ओटवा में काफी जैसे मेरा थोड़ा गैटिन्यू भी पड़ जाता है, सामान मिलता ही नहीं है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमें ओटवा जाना पड़ता है सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे भी ढूंढ मतलब नहीं मिल सकता ना। नीरू को पता है, उसके जितने भी फल फ्रूट की दुकान है ना, वो सब देखने में अच्छी लगती है, लेकिन कनाडा के फल फ्रूट में ना कोई टेस्ट है, ना कोई उनकी कोई वो, बस प्रेजेंटेशन ही है, दिखते हैं चमकते रहते हैं अंदर है। दूसरी बात है एप्पल सेब है, जो हिमाचल का सेब, मैं शिमला गया था एक बार शादी के बाद, मैं अपने हनीमून की बात कर रहा हूँ, दैट्स लॉन्ग टाइम नाउ, हम हिमाचल शिमला गए थे, तो वहां से हम एक बहुत बड़ा वो नहीं है उसका, जो ब्रिटिश का टाइम का एक वो है, एक क्या है पैलेस है जहां पर, हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडीज, तो वहां तक हम लोग होटल ठहर के हम वहां से वॉकिंग कर रहे थे, तो मेरे को पुरानी पुरानी हिस्टोरिकल चीज देखने की वो है, मेरा एक शौक है, इंटरेस्ट है। तो वहां पर नीचे लोग उस जमाने में नीचे लोग वो सेब के वो लेके बैठे हुए थे, जो होते हैं ना छोटे हिमाचली सेब या समथिंग ऐसा, तो वो अभी सेब का टेस्ट मेरे को अभी तक याद है, 3 साल बाद अभी तक याद है, और ऐसा सेब मैंने कनाडा में कभी खाया नहीं। कनाडा के सेब खा लोगे अगर आप, तो आपको लगेगा ये सेब है, ये क्या सेब है, मतलब के मेरे को ये लगता है कि खाने का, हाँ, दिल नहीं करता। देखो नीरू ने बता दिया, हमने प्योर खाया हुआ है, हाँ, वहाँ का हिमाचल का, तो हमने खाया ही है, मेरे दिल नहीं करता खाने का। मेरे को तो ऐसे अब मैं ज्यादा मैं अपने सीक्रेट नहीं बताऊंगा आपको, मेरा तो दिल करता है मैं सब कुछ अपने घर पर बेच के हिमाचल में कहीं छोटा सा वो ऊपर क्वार्टर, मेरे आपसे कल बात हो रही थी ना कि मेरे को मशोबरा में देखना जाके, तो मशोबरा के बारे में और कुफरी के बारे में मेरे को ज्योति बताया, जो राइटर्स है मेरे दो फ्रेंड्स, तो वो कहते हैं कि आप इधर उधर धक्के मत खाओ, दिल्ली वगैरह में कहीं पर, बॉम्बे पूना में कहीं पर भी, आप चुप करके हिमाचल में जाओ या उत्तराखंड,
वहां पर एक छोटा सा एक कॉटेज टाइप ले लो या कॉन्डो ले लो, वो आपके लिए सही रहेगा। मैंने कहा ये भी अच्छा है, वहीं से बैठे बैठे मैं स्पाउस वीजा एप्लीकेशन करता रहूंगा। बेस्ट है वो, बेस्ट है। तो इसके सर अब नेक्स्ट कर लो आप प्लान, तभी भी फिर मेरे को मतलब एडवांस में 5-7 दिन पहले बता देना। हमें आना ही पड़ेगा क्योंकि आपका आपके जाने का टाइम हो गया, आप तो आओ, आपके दिन खत्म हो गए हिमाचल के यहाँ के। तो जितने भी देवी देवताओं को पूजा करना है आपको यहाँ पर, जो देवभूमि को अलविदा करने का टाइम आ गया तो आप कर लो, क्योंकि आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट मैं भेज दूंगा आज या कल में, और उसके बाद आप अपना जो जमा करो पासपोर्ट और बच्चे का भी। तो मेरे ख्याल है कि हफ्ते दो हफ्ते के अंदर वो जो भी रीजनेबल टाइम है लग जाना है, तो आप विदिन अ मंथ आप अपनी टिकट करा सकते हो जाने की। तो इसके लिए आपको जब जाने का टाइम आ गया इसका आपको मिलना ही पड़ेगा पहले। उना दिखा नहीं मैंने आज तक, उना में काफी जगह घूमने के लिए। हाँ तो पर एनीवे मेरे को बड़ी खुशी है कि आपका काम हुआ, क्योंकि अगर आपका काम नहीं होता तो मेरे को बहुत वो अंदर से फील होता कि इसका काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपका केस तो परफेक्ट केस है, क्योंकि आपके पास नौकरी भी है, फंड्स भी हैं, शादी भी पुरानी है और बच्चा भी है साथ में, और वाइफ भी काम कर रही है, वो भी उसकी एलिजिबिलिटी काफ़ी अच्छी अभी चल रही है। तो मेरे को ये लगा था कि इनका केस अगर पास नहीं हुआ तो मेरे को अपनी स्पाउस वीजा की दुकान ही बंद करनी पड़ेगी। एनीवे अब बात ये हो गया, सब कुछ है ठीक है। नीरू खुश है आप? हाँ जी सर बहुत ज्यादा। देखिए शक्ल से पता लग रहा है एक्चुअली। हाँ ठीक है, पहले अब कुशाल को दो मिनटों में बता दें कि वो जब वो कनाडा आएंगे तो वो उनको क्या करना पड़ेगा, आते ही साथ तो आराम तो नहीं करना पड़ेगा, काम पे लगाना पड़ेगा जाते। जितना मैंने सफर किया वो सारा करना पड़ेगा अभी, अब मैं तो जॉब छोड़ने वाली हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं एक टिप, इसको अभी नौकरी मत छोड़ने देना, इसके हिमाचल की नौकरी में छुट्टी लेके जाना एक दो साल। नहीं, हाँ जी छुट्टी लेके जाएंगे। हाँ एक दो साल की छुट्टी, जितनी भी छुट्टी होती है एक दो साल की वो लेके जाना। उसके बाद अब आप ओटावा जा रहे हो, ओटावा की हर एक शहर का अलग अलग होता है एक्चुअली, क्योंकि मैं तो ओटावा में रह रही हूँ, मैं तो एडमिंटन अल्बर्टा में रहा हूँ, तो हर एक शहर में ये होगा। अब आपको चक्कर है कि अब आप जब बच्चा भी आ रहा है, हस्बैंड आ रहा है, तो आपको अलग अपार्टमेंट देना पड़ेगा, मतलब खर्चा बढ़ जाएगा ना। तो, मतलब नहीं खर्चा तो नहीं बढ़ेगा, मतलब ठीक है इक्वली है, बट अभी हमें ऐसा पता नहीं था कि हमने मूव होना है, मतलब मैंने और मेरी फ्रेंड ने सोचा था कि हम लोग मूव हो जाएंगे, कंटिन्यू छोड़ के अभी चले जाएंगे, तो हमने अभी मैंने हार्डली 2 दिन और 3 दिन पहले ही लीज साइन की है। ओहो अच्छा। तो अभी भी देख लो कूलिंग ऑफ पीरियड है, वो मकान मालिक से कहना है भाई अभी शायद वो करनी नहीं करनी, तो मतलब आपको दो तीन साइन हो चुकी है, डिपॉजिट दे दिया है, 2 महीने दे दिया है, सब कुछ हो चुका है अभी, तो 1 साल के लिए सब चला गया। 1 साल के लिए जी, 1 साल के लिए। अच्छा, क्योंकि आते ही सर अभी वो क्या है कि बच्चा कितने साल का ध्यान 5। हाँ तो अब उसका स्कूल का एडमिशन भी होगा अभी, जो अभी सितंबर से वो सितंबर में से इसको किंडरगार्टन जाएगा, और स्कूल के पास घर होना चाहिए, अच्छा रहता है, थोड़ा सा वॉकिंग का होता है, और आपको जैसे हस्बैंड को भी वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है, तो कार लेनी है, लाइसेंस वगैरह लेना है, मतलब अभी तो जिंदगी आपकी अभी असली जिंदगी शुरू हो रही है, आपकी जो गृहस्थी, जो कनाडा की जो गृहस्थी लाइफ है शुरू होना है, फिर आपको ये देखना है कि आटा दाल कहाँ है, ग्रोसरी लेना जाना, थैला लेके, यू नो देयर्स अ लॉट, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम कनाडा में सेटल होने के लिए, इट टेक्स आई वुड से अबाउट 4-5 years जब आपकी मतलब लाइन पटरी पे गृहस्थी चलती है, तो वो सब आपको। आप सर मानोगे नहीं, जब मैं गैटिनू में आई थी तो हमारे यहाँ पे आटा नहीं मिलता है, एक्चुअल में आटा नहीं मिलता है, आपको ये मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा इस बात पे। तो जो मेरा ओनर था वो गोरा था, तो बेचारा हाँ। वो ले गया, बोलता आई कैन हेल्प यू, सो वो हमें वॉलमार्ट ले गया नियर बाय, तो वो हमें मैदा लेके दे रहा है। उनको पता नहीं होता, उनको पता नहीं होता डिफरेंस क्या है। सर आई गेस 7 महीने के बाद हमने आटा देखा था, वो आशीर्वाद आटा, जब हमें ऐसे कोई दीदी मिले तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वहां पे जाओ ओटावा में, वहां पे मिलेगा आपको इंडियन ग्रोसरी, तो हमने वहां पे आटा देखा पहली बार। तो आटा देख के बड़े खुश हुए आपके, कितने साल का आटा बना रहे हैं। हमने दो तीन तीन उठा लिए। ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, ऑनलाइन भी अमेजोन पे मंगा सकते हो वैसे तो चलो जो भी कुछ है, स्ट्रगल आपने बहुत करी है, तो आपको एटलीस्ट पतिदेव का साथ मिलेगा, बच्चा भी साथ है, बच्चा भी कितना खुश होगा। मैं सोच रहा था उसके सवेरे आज के बच्चे की किस्मत क्या है, देखो अभी उसने स्कूलिंग शुरू करनी है, अभी मतलब उसकी जिंदगी का स्कूल शुरू होना है, वो पहले दिन से ही वो उसको इंडियन स्कूल के बारे में पता ही नहीं है, वो कनाडा के स्कूल में वैसे ही वो
फराटेदार इंग्लिश बोलेगा जैसे कनाडा वाले बोलते हैं जी। आगे तो फर्स्ट में है वहां पे इंडिया अभी। अच्छा अभी फर्स्ट में, कोई बात नहीं तो फर्स्ट में। अच्छा जल्दी एडमिशन कर देते हैं हमारे यहाँ, मतलब अल्बर्टा में तो 5 साल के बाद एडमिशन शुरू करते हैं किंडरगार्टन। हाँ अच्छा, इंडिया में तो ये होता है कि जल्दी जल्दी एडमिशन करो, जल्दी कॉम्पिटिशन। 2 साल 3 साल का हो गया बच्चा, जा डालो स्कूल में। और बताएं सब ठीक है? बस बाकी एवरीथिंग इज गुड। तो आप लोग करें आराम और जस्ट गेट रेडी एंड इट्स टाइम टू सेलिब्रेट एंड गेट रेडी फॉर द फ्यूचर। सो आज है 16 जून और आप रीजनेबली अगर आप पासपोर्ट जमा करते हैं जैसे VFS में, आज क्या है, वेनेसडे है, थर्सडे है। हाँ अगर आप कल वर्किंग डे है, कल अगर फ्राइडे तक भी करते हैं तो आपका हफ्ते के अंदर पासपोर्ट स्टैंप होके आ जाना चाहिए, मतलब रीजनेबल लाइक बिजनेस डेज। तो बाकी सब ठीक है और बस ठीक है। और हमारे मेरे लिए कोई सवाल, कोई जहाँ तक पासपोर्ट के वो जो नंबर का सवाल है, तो जब आप VFS में जब दोगे ना, उसको जमा करने जाओगे या जब होगा, तो उनको दोनों की फोटो कॉपी चिपका देना, एक तो पुराने की और जो नए की भी फोटो कॉपी, सो दैट दे कैन मैच अप के वो बंदा वही है, डेट ऑफ बर्थ वाला वही है, तो अपने आप कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। इट्स नॉट अ बिग इशू, इट्स जस्ट अ क्लरिकल। बाकी उनको मैंने ईमेल कर दिया था अपलोड करके कि भी इनका मेडिकल अभी तीन चार दिन पहले किया है, जिस दिन आपने मेरे को दिया, तो मैंने उनको लिख दिया था कि भी इनका पासपोर्ट नंबर चेंज हो गया और ये मेडिकल हो गए हैं, तो फटाफट उन्होंने काम कर दिया। ठीक है नीरू? हाँ जी सर, थैंक यू। अभी आप हिमाचल जाओ और स्पेशली मेरी तरफ से घूम के आओ। हाँ बताए कहाँ, कौन सी जगह जाए, कौन सी कोई खास जगह बताए? कुल्लू मनाली, मेरे को तो नीरू ये वो जगह बता दो मेरे को, एक कोई जहाँ पर मैं मेरा जो नेचर मेरा कुछ और तरह से, मैं मतलब ऑर्गेनिक जो है ना, एप्पल जैसे है, ऑर्गेनिक फ्रूट है वो खाना चाहिए, तो मेरे को बाजार से तो चलो हम पैसे लेके भी खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे को वो चाहिए, सोच के बताना, मेरे को वो चाहिए जहां मैं पेड़ पे जाऊं, पेड़ से एप्पल तोड़ के खाऊं, जिसको जिसमें कोई खाद नहीं डली हुई, जिसमें मतलब कोई इंसेक्टिसाइड, वो आपको दिखा देंगे सारा ही। वहां कहां पर है? हमारा किन्नौर में, ये कांगपियो में है सर, वहां ना। अच्छा में भी है, अभी तो चल पड़ा है, अभी तो तैयार हो रहा है एप्पल, वैसे अभी जब जाएंगे आपको सारा देखना, वो नीचे ही है सारी। और कौन सा फ्रूट अभी चल रहा है वहां पर हिमाचल आजकल? चेरी चलती है ना, चल रही है। आपके यहाँ लीची तो नहीं है? लीची है सर, वो तो हमारे यहाँ लोकल ही है, ऊना में भी मिल जाती है, मतलब अब नहीं लगी हुई है हमारे तो शायद अभी नहीं, वो आई एम सॉरी मेरे को आवाज नहीं आ रही, आपके क्या कह रहे हैं, लगी हुई है? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप पूछो, अब आप नीरू से पूछ लो कि जो इंडिया की लीची है पूरे कनाडा में कहीं नहीं मिल सकती, पूछ लो कहीं से देखिए। ये फैक्ट है, मेरे को तो आम ही नहीं मिला, मैं आम की मेरा फेवरेट है, बट मैंने 2 बार खाया यहाँ पे, ट्राई किया बट नहीं, उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया है। नीरू मैं बताऊं आपको, अभी मैं इंडिया में, मेरे को अभी इंडिया में रहते हुए 2 महीने हो गए, अभी मैं यहीं पर जमा, मेरे को जाने का कोई वो नहीं है, 2 महीने हो गए मेरा, अभी पिछले 1 महीने से जब से दशहरी आम आया है, 1 महीने से मेरा नाश्ता ही सुबह 1 किलो आम, मतलब कि 4 आम, बड़े बड़े आम है, चार आम खाता हूँ मैं, क्या मेरे को कोई डायबिटीज नहीं है, मैं तो खा रहा हूँ, उसके बाद फिर पसीना इतना आता है ना, वो सब वो हो जाता है, कोई चक्कर नहीं, सही रहता है। हाँ वो कोई सही रहता है, अभी आप कनाडा जाओगे आपको पसीने नहीं आएगा, तो वहां पर तो डायबिटीज होगी। तो मेरा मतलब कि 1 किलो आम खा के मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये आम मेरे को पता है कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो भी नहीं खा सकते, ना के बड़े बड़े जो अमीर है वो भी नहीं खा सकते, जो हमारे भगवान ने ऐसी कृपा करी है कि आम खाने को मिल रहा है, तो भारत देश में जो महानता है वो तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी कनाडा लोग जाते हैं, ठीक है उनको अपना एक करियर करना जो करना वो ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसी कोई वो नहीं है, जो मैंने कनाडा में करना था देखना सब मैं देख चुका हूँ, मेरे को कनाडा में करने कुछ बाकी रह नहीं गया मेरे लिए। अभी हार्डली 2-3 दिन की बात है, मैं बोल रही थी, मैं कहा मेरे से नहीं होता यहाँ पे निकलो, क्योंकि खाने को नहीं मिलता प्रॉपर वो चीज, नहीं कनाडा करते हैं वो, कनाडा के लोग तो भूखे मर जाएंगे, कनाडा में है क्या, मैदा है, शुगर वाली चीज है, मीठे मीठे वो है, जिससे डायबिटीज कैंसर डिप्रेशन बहुत होगा, असली चीज तो अब मैं क्या कहूँ उसके बारे में, असली चीज तो ये है कि
खाने में मिलावट बहुत है हर जगह। इंडिया में भी मिलावट है वैसे, नहीं कह रहा हूँ इंडिया में मिलावट नहीं है, इंडिया में मिलावट है, कनाडा में भी मिलावट है, उसमें मतलब प्रोसेस फूड ज्यादा है, उसको अंदर फैक्ट्री में बनाया हुआ फूड चारा है और डिब्बों में बंद किया है, पैकेट है, पुराने हैं। अभी आप कनाडा में कहीं भी आप मीट लेने जाओ समथिंग, तो मीट हो सकता है कि 6 महीने पुराना मीट काट के अभी उसको फ्रोजन करके बेच रहे हैं, तो इतना गंदा है। जो ब्रेड है, ब्रेड में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव मिलाए हुए हैं, अंडे भी आपके नकली हैं, वो मशीनों से उसको दे दे के अंडे बनाए हुए हैं। ऐसी कौन सी चीज है कनाडा में जो प्योर है? मेरे को एक चीज का नाम बता दो नीरू, कोई है ना? मैं तो खुद जैसे उसमें काम करती हूँ मैकडोनल्ड्स में, तो उसमें भी देखो कि जो बॉक्सेस आते हैं वो भी कितने, मतलब अभी क्या ही बोलूं। मैकडोनल्ड मेरे मेरे अगर सिर पे कोई गोली रख दे ना, ऐसे बंदूक रख दे, बोलेगा चल भाई मैकडोनल्ड, मैं क्या मेरे को मार दे, मैकडोनल्ड मत भेज मेरे को, इतना गंदा खाना है वहाँ का। और बाकी चलो देखिए, इंडिया में भी मिलावट है, जैसे दूध में मिलावट इंडिया में भी है और बाकी सारे वो है। मेरा एक्चुअली बाजार में घूम रहा था यहाँ पर, तो मेरे को एक वो फ्रूट वाला कहता है कि मैं दिखा था वो फ्रूट लेने के लिए, तो मेरे को शक्ल देख के कहता है सर जी आप लगता है बाहर से आए हो कुछ ऐसा लगता है। मैंने कहा कैसे? कहता आप ये एप्पल की तरफ देख रहे हो, एप्पल थे वो उसमें लगे थे न्यूजीलैंड, एप्पल पे वो स्टैंप लगी थी न्यूजीलैंड की, पता नहीं कहाँ की, तो बोला कि आपके लिए फॉरेन एप्पल मैं आपके लिए लाया, ये खाया 800 रुपए किलो, पता नहीं क्या एप्पल कौन सा। मैंने कहा मेरे को नहीं खाने विदेशी एप्पल, मेरे को तो देसी दाल दिखा भाई, देसी नहीं खाने मेरे को, तो ये सब चलता है हिमाचल, कोई चक्कर नहीं। जी 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 जी, करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। थैंक यू, हे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मौका देने के लिए, और इसको हम करते हैं फिर। जी सर, ठीक है, थैंक यू कुशल। कोई है सवाल? एवरीथिंग गुड कुशल? बच्चे को प्यार देना मेरी तरफ से। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।